सभी बच्चों को मेरा जय जोहार। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का विषय गणित में अध्याय 18 परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है योग संक्रिया के गुण। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों संवरक गुण, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव एक परिमेय संख्या होती है, इसे योग का संवरक नियम कहते हैं। बच्चों, यदि हम दो परिमेय संख्या लेते हैं 1/2 और 1/3, और कहीं हम इसे योग करेंगे, इसका योग करेंगे, पहले हम लघुत्तम निकालेंगे हर का 2 और 3 का, तो वो 6 होगा। और 6 होने के बाद हम क्या करेंगे, 6 को पहले परिमेय संख्या के हर 2 से भाग करेंगे तो हमें भागफल 3 मिलेगा। 3 को हम ऊपर वाले जो पहले परिमेय संख्या का जो अंश है 1 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरे परिमेय संख्या के लिए भी हम 6 को 3 से भाग देंगे तो हमें भागफल 2 प्राप्त होगा, और 2 को 1 से गुणा करने पे हमें 2 प्राप्त होगा। अब हम अंश को का योग करेंगे, 3 × 2 = 5/6। तो हम देखेंगे बच्चों ये 5/6 भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हमने देखा संवरक नियम यह नियम है जिसमें दो परिमेय संख्याओं का योगफल भी परिमेय संख्या होता है, इसे हम संवरक का गुण कहते हैं। आइए बच्चों हम दूसरा नियम देखेंगे, क्रम विनिमय नियम, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। क्रम बदलकर परिमेय संख्याओं को जोड़ने से भी उनका योगफल समान आता है। यदि हम दो परिमेय संख्या लेते हैं p/q, एक पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या r/s लेते हैं, और कहीं हम इनका क्रम बदलकर इनका योग करेंगे तो योगफल में कोई भी बदलाव नहीं होता है, इसे ही हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। जैसे कि p/q में योग करेंगे r/s बराबर r/s में योग करेंगे p/q, तो इसका योगफल एक समान आता है। जैसे उदाहरण के लिए 1/2 + 1/3 का जब हम योग करेंगे, या 1/3 + 1/2 करेंगे, तो योगफल दोनों ही स्थितियों में 1/6 प्राप्त होगा। बच्चों, तो यह है क्रम विनिमय नियम, जहाँ पे हम क्रम बदलकर परिमेय संख्याओं का योग करते हैं तो योगफल में कोई भी बदलाव नहीं आता है, योगफल सदैव समान होता है। बच्चों, आइए बच्चों अब हम एक और नियम को देखते हैं, सहचर नियम, जिसे हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तीन परिमेय संख्याओं का योग करते समय यदि हम प्रथम दो संख्याओं का योग करके तीसरी संख्या को जोड़ते हैं, तब जो हमें मान प्राप्त होता है, जो योगफल प्राप्त होता है, उसी तरह से कहीं हम पहले द्वितीय और तृतीय परिमेय संख्या का योग कर लेते हैं और उसके योगफल में कहीं प्रथम परिमेय संख्या को कहीं हम जोड़ते हैं तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। यह जो है सहचर नियम, जो है एसोसिएटिव लॉ, परिमेय संख्या के लिए भी लागू होता है। यदि हम तीन परिमेय संख्या लेते हैं, पहली p/q, दूसरी r/s और तीसरी t/u। अब यदि हम p/q और r/s का पहले योग निकाल लेते हैं और उसके योगफल में कहीं t/u को जोड़ते हैं, तो जो कुल जो हमें योगफल प्राप्त होगा वह दूसरी स्थिति में हमने क्या किया है बच्चों, पहले हमने क्या किया है, r/s में का योग किया गया है t/u से, और जो कोष्टक में लिखा है चीज़ जो है r/s में t/u को का योग किया है, और योग करने के बाद जब हम p/q जो है पहली परिमेय संख्या से जोड़ेंगे तो योगफल जो है समान होता है। यही है सहचर नियम, जो कि परिमेय संख्या के लिए लागू होता है। उदाहरण के लिए हम तीन परिमेय संख्या 1/2, 1/3 और 4/3 लेते हैं। यदि हम 1/2 में 1/3 का योग करेंगे और योग करने के बाद फिर योगफल में हम कहीं 4/3 का योग करेंगे, तो यहाँ पे जो योगफल आएगा वह जो दूसरी और तीसरी परिमेय संख्या 1/3 और 4/3 का योग करने के बाद कहीं हम उसके योगफल में 1/2 का योग करेंगे, तब भी योगफल समान आता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि योग के लिए सहचर नियम जो है लागू होता है। आइए बच्चों परिमेय संख्याओं के साथ शून्य का योग का हम अध्ययन करते हैं। शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या ऐसी नहीं है जिसे किसी अन्य संख्या में जोड़ने पर मान नहीं बदलता है। जैसे कि शून्य के इसी गुण को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं। यदि हम p/q एक परिमेय संख्या लेते हैं और p/q में कहीं हम शून्य को जोड़ते हैं तो हमें p/q ही प्राप्त होता है। या किसी उदाहरण के लिए हम कोई संख्या 1/2 लेते हैं और उसमें शून्य को जोड़ेंगे तो हमें
वही संख्या 1/2 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हमने देखा बच्चों कि शून्य जो है वो उसे हम युगात्मक तत्समक कहते हैं। बच्चों आइए आगे देखते हैं योज्य प्रतिलोम, जिसे हम एडिटिव इनवर्स के रूप में भी जानते हैं अंग्रेजी में। प्रत्येक परिमेय संख्या के लिए एक परिमेय संख्या अवश्य होती है, जिसे दी गई परिमेय संख्या में जोड़ने से योगफल शून्य प्राप्त होता है। यहाँ पे शून्य को हम युगात्मक तत्समक कहते हैं बच्चों। वह दी गई परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम कहलाती है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास 3/5 का योज्य प्रतिलोम -3/5 होता है, क्योंकि 3/5 में कहीं हम -3/5 का योग करेंगे तो हमें शून्य प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो है शून्य युगात्मक तत्समक है। आइए बच्चों अब हम परिमेय संख्याओं का घटाना का अध्ययन करते हैं, जिसे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर कहेंगे। यहाँ पे घटाने में परिमेय संख्या में संवरक नियम लागू होता है। बच्चों जैसे दो परिमेय संख्याओं को घटाने से प्राप्त संख्या भी परिमेय संख्या प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए कहीं हम 1/2 पहली परिमेय संख्या में 1/3 को घटाते हैं, तो घटाने के लिए बच्चों हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो दिए गई परिमेय संख्या के हर का लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 और 3 का लघुत्तम 6 आएगा। इस 6 को हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों परिमेय संख्या के हर से जो है भाग करते हैं, और भाग करने के बाद जो हमें भागफल प्राप्त होता है उसको अंश से गुणा करते हैं, तो हमें प्राप्त होगा 3-2/6। और इसको जब हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1/6। यहाँ 1/6 परिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कहेंगे बच्चों कि परिमेय संख्या में घटाने के लिए संवरक नियम लागू होता है। यहाँ बच्चों हमें विशेष ध्यान देना है कि यहाँ पे सहचर नियम और क्रम विनिमय नियम घटाने के लिए लागू नहीं होता है। बच्चों परिमेय संख्याओं में शून्य का घटाना, किसी परिमेय संख्या में से शून्य को घटाने पर परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। यदि हम कोई परिमेय संख्या p/q लेते हैं और उसमें कहीं हम शून्य को घटाएंगे बच्चों, तो उसके मान में परिमेय संख्या के मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा, हमें प्राप्त होगा p/q। उदाहरण के लिए कहीं हम 2/5 में कहीं हम शून्य को घटाएंगे बच्चों, तो हमें जो अंतर है वह 2/5 ही प्राप्त होगा। परिमेय संख्याओं का गुणा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ बच्चों सबसे पहले हम पहला नियम जो इसका है वह है संवरक नियम, जिसे हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। हम जानते हैं बच्चों कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसे हम गुणा के लिए संवरक नियम कहते हैं, जो कि यहाँ संवरक नियम गुणा के लिए लागू होता है। यदि हम दो परिमेय संख्या लेते हैं, 1/2 लेते हैं पहली परिमेय संख्या और दूसरी परिमेय संख्या 3/4 लेते हैं, और कहीं हम इसे गुणा करेंगे, तो गुणा करने के लिए क्या होता है बच्चों, अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं। तो 1 को हम 3 से गुणा करेंगे अंश में, और हर में 2 को 4 से गुणा करेंगे, तो हमें प्राप्त होगा गुणनफल 3/8। यहाँ 3/8 भी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने ये देखा कि गुणा के लिए संवरक नियम जो है लागू होता है। उसी तरह से बच्चों गुणा के लिए क्रम विनिमय नियम का भी पालन होता है, जिसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। क्रम बदलकर परिमेय संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल समान होता है बच्चों। जैसे कि हम कहीं दो परिमेय संख्या p/q को r/s से गुणा करेंगे, या r/s को p/q से गुणा करेंगे, तो गुणनफल सदैव समान आता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का गुणा के लिए पालन होता है। उदाहरण के लिए कहीं 1/2 को गुणा करेंगे हम 3/5 से, या 3/5 को 1/2 से गुणा करेंगे, तो दोनों ही स्थिति में हमें गुणनफल 3/10 प्राप्त हो रहा है बच्चों। तो इस तरह से हम कहेंगे कि यहाँ क्रम विनिमय नियम गुणा के लिए पालन होता है। अब बच्चों जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है, वितरण का नियम, जिसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, जो कि बहुत प्रायः ये गणित में प्रयोग होता है, और इसे आपको थोड़ा ध्यान से देखना है बच्चों। तो हमारे पास एक परिमेय संख्या है p/q, इसको हम गुणा करेंगे, कोष्टक में है r/s धन u/v। अब जब हम कोष्टक को खोलेंगे बच्चों, तो क्या होगा, जो हमारे पास p/q जो कोष्टक के बाहर है, वह संख्या पहले पद से कोष्टक के अंदर के पहले पद से गुणा होंगी। तो p/q को हम पहले गुणा करेंगे r/s से, जो कि पहला पद है कोष्टक का, धन पुनः हम क्या करेंगे p/q को दूसरे पद से कोष्टक के अंदर में जो दूसरा पद हमारे पास u/v है उससे गुणा होगा, तो p/q गुणा u/v, यह वितरण नियम कहलाता है बच्चों।
तो परिमेय संख्या में वितरण नियम जो है इस तरह से होता है। उदाहरण से और हम अच्छे से समझते बच्चों, वो एक उदाहरण है हमारे पास, 1/2 कोष्टक के अंदर में है 1/3 धन 2/3 कोष्टक बंद। अब जब हम इसे हम यहाँ पे वितरण का नियम लगाएंगे बच्चों, तो 1/2 को हम कोष्टक खोलेंगे तो 1/2 गुणा होगा 1/3 से धन, पुनः 1/2 गुणा होगा दूसरे पद जो है, दूसरा पद है परिमेय संख्या का कोष्टक के अंदर में, 1/2 गुणा 2/3। तो बच्चों इसे हम क्या कहते हैं, वितरण का नियम। आइए बच्चों हम परिमेय संख्या में शून्य का गुणा देखते हैं, जिसे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर विद जीरो कहते हैं। किसी परिमेय संख्या को शून्य के साथ गुणा करने पर गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। यदि हम एक परिमेय संख्या p/q लेते हैं और इसे शून्य से गुणा करते हैं बच्चों, तो सदैव ही हमें जो गुणनफल प्राप्त होगा शून्य होगा बच्चों। गुणन तत्समक, जिसे हम कहते हैं बच्चों मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, परिमेय संख्या p/q को 1 से गुणा करने पर गुणनफल p/q के बराबर आता है। मतलब यहाँ देखिए बच्चों कि जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो गुणनफल में 1 से गुणा करने पर हमें जो दी गई संख्या रहती है, जो हम संख्या लेते हैं उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि 1 को हम 1/3 से गुणा करते हैं तो हमें 1/3 ही प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ कहेंगे हम 1 जो है गुणन तत्समक है। तो हमने देखा बच्चों की गणित में हम यहाँ पे गुणा के लिए 1 को हम गुणन तत्समक कहते हैं। आइए बच्चों हम परिमेय संख्याओं का भाग डिवीज़न ऑफ रैशनल नंबर देखते हैं। किसी परिमेय संख्या में दूसरी परिमेय संख्या का भाग वास्तव में पहली परिमेय संख्या से दूसरी परिमेय संख्या के गुणन प्रतिलोम के बराबर होता है। यदि हम x/y परिमेय संख्या को भाग देंगे a/b से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, यदि हम भाग को गुणा में परिवर्तन करेंगे तो ये हो जाएगा गुणा b/a। तो इस तरह से x/y गुणा b/a हमें प्राप्त होगा। आइए बच्चों एक छोटा सा ग्रह कार्य देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न किसी नियम से संबंधित है, रिक्त स्थानियों को आपको पूर्ण करना है। जिस नियमों को हमने अध्ययन किया उसी से संबंधित ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है 3/5 धन 1/2 बराबर 1/2 धन 3/5। इसका आपको नियम लिखना है कि कौन सा नियम लग रहा है। दूसरा 1/2 धन 0 बराबर 1/2। तीसरा कोष्टक में 1/2 धन 5/3 कोष्टक बंद धन 1/7 बराबर 1/2 धन कोष्टक में 5/3 धन 1/7 कोष्टक बंद। इसका भी यहाँ पे आपको यहाँ पे नियम लगना है, लिखना है बच्चों। तो बच्चों यह पाठ यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। धन्यवाद।